कानपुर की बेटी ने किया भारत का नाम रोशन। वैसे तो भारत में कई बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन शहर के जूही बारा देवी क्षेत्र की रहने वाली नेहा मिश्रा ने न केवल अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा किया है, बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन किया है। नेहा मिश्रा 19 साल की उम्र से जॉब कर रही हैं। एयर होस्टेस से लेकर किंग फिशर कंपनी में काम किया और किंग फिशर कंपनी बंद हो जाने के बाद से काफी परेशान रहने लगी, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फ्रांस की एक कंपनी में जॉब की और अपनी मेहनत से आज वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जिस कंपनी में वो जॉब कर रही थी आज उस कंपनी की सीईओ है और 155 देशों से भी अधिक में अपनी ब्रांच चला रही है और इनका हेड ऑफिस भारत में है। और नेहा मिश्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि लड़की किसी लड़कों से कम नहीं है और नेहा मिश्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है। हर उस नारी शक्ति को सलाम करता है जिसने भारत देश का नाम रोशन किया। हमारी टीम हर उस नारी शक्ति को सलाम करती है जिसने भारत देश का नाम रोशन किया। आज जब नेहा के पिता अजय मिश्रा और माता दौरीस से बात की तो क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अजय न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है और आज आपकी बिटिया जो है लंदन में जॉब कर रही है, क्या था इसका पूरा जीवन? ये इसका नाम नेहा मिश्रा है और इसने कानपुर मर्सी मेमोरियल से नर्सरी से लेकर 12th तक की एजुकेशन की, उसके बाद ये दिल्ली चली गई। इसका एक पैशन था एयरलाइंस में जाने का, तो इस ये दिल्ली में इसने IIA से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की ट्रेनिंग की। इसके बाद इसने 3 साल का लाइसेंस कोर्स होता है, ये करने के बाद ये इसका जेट एयरवेज में वो इसकी मतलब ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद में ये किंगफिशर में किंगफिशर एयरलाइंस में इसकी जॉब हो गई, तब इसको 10,000 रुपये महीने मिलता था। इसके बाद इसने फिर पेपर निकाला तो इसकी 60 हुई सैलरी और इसके बाद में इसकी 1,25,000 सैलरी हो गई। किंगफिशर बंद हो गई, ये थोड़ा टेंस हो गई, परेशान हो गई। तो फिर इसका कॉल आया IIM से और बाहर फॉरन फ्रांस से कॉल आया इसका कि आप आगे का MBA का कोर्स करेंगे। तो इसने वहाँ पे एयरलाइंस का MBA किया। MBA करने के बाद इसने 10 महीने जॉब की, जॉब के बाद इसने अपना खुद का बिजनेस एयरलाइंस का डाला। एयरलाइंस के बिजनेस में इसने जिस कंपनी में जॉब कर रही थी उसी को टेक ओवर कर लिया और फिर इसका बहुत अच्छा इस एरुन क्या नाम है एरुन कंसल्टेंट एरो कंसल्टेंट नाम से इसका इसने एक कंपनी खोली, तो उसका अभी 50 कंट्री में चल रही है इसकी कंपनी। और इसको अवार्ड के लिए इसके पास मैसेज आया तो अंडर 40 में इसका इसको ये अवार्ड मिला लंदन में 9 सितंबर को। क्या मैसेज कर रही है अवार्ड मिला? अब मैसेज तो हम तो बहुत खुश ही होंगे, बचपन से पढ़ते लिखते देखा और यही चाहेंगे कि सभी अपनी बेटियों को जो आजकल गवर्नमेंट का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सच में बेटी को जरूर पढ़ाना चाहिए और जिसको पढ़ाएंगे वो ऐसे ही आपका नाम रोशन करेगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन। यहाँ भी और वहाँ पे 10th फॉरनर्स में ये सबसे यंगर सबसे छोटी लड़की है और एक अकेली इंडियन है लड़की थी, तो वो भी सभी लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो सब कुछ अचीव करेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।